हेलो एंड वेलकम टू अदर वीडियो गाइस। तो आज एक और नई ड्रैग रेस कुशाग वर्सेस किया कारेंस, दोबारा से किया कारेंस ले आए हो भाई कुशाग के साथ। और अब ये कुशाग नॉर्मल कुशाग नहीं है, ये स्टॉक कुशाग नहीं है, ये अब ट्यून्ड कुशाग है, और वो भी इंडिया की फर्स्ट, अपने आरव भाई की कुशाग है ये, आप पहचान ही गए होगे नंबर से। तो भाई अब पहले ये बनाती थी 113 की हॉर्स पावर, अब बनाती है 145 की भाई, और पहले थी 176 की, 176 का टॉक था, अब है 245 का। तो और अपनी वहीं ये बात कर ले तो इसका है 138 की हॉर्स पावर और 242 का टॉक, मतलब स्पेक्स में दोनों ऑलमोस्ट सेम है, वो ट्यून्ड होने के बाद इतनी है, ये स्टॉक में इतनी है, और दोनों टर्बो चार्ज है, कुछ आग 1 लीटर और ये 1.4 टर्बो चार्ज, और वही 1 लीटर का ये भी टर्बो चार्ज है भाई। तो भाई देखते हैं, दोनों का ऑलमोस्ट वेट भी सेम ही पाएगा, किया कारेंस थोड़ी सी हैवी पाएगी, वो हम बैठ के वेट बढ़ा लेंगे। तो चलो भाई ये खतरनाक ड्रैग रेस को करते हैं स्टार्ट, और देखते हैं आज फिर क्या कमाल दिखाती हैं दोनों गाड़ियां। भाई हम आ गए हैं अब कारेंस में, और विक्रम भाई अपने साथ हैं, कैसे हो भाई? भाई बहुत बढ़िया, बताओ। फिर आज जिता दे कारेंस, ट्यून्ड कुछ आपको हरा सकती है, कुछ है उम्मीद? भाई कुछ नहीं कह सकता, सेम स्पेक्स हैं, टॉर्क दोनों गाड़ियों के सेम है, 240 240। हाँ BHP उसमें 7 BHP आपको ज्यादा मिल जाती है। हाँ। इसमें 138 है, वो 145 है। हाँ। और ये फिर 1.4 भी है ना टर्बो चार्ज, वो ट्यून्ड भी है। हाँ, वो ट्यून्ड है, और वो 1 लीटर है, वैसे ही 1 लीटर में वो भाई कितनों को हरा चुकी है, ट्यून्ड कराने के बाद से एग्रेसिव हुई है वो, बहुत एग्रेसिव हो गई है भाई। तो चलो देखते हैं। हाँ जी भाई, भाई हमारा AC ऑफ है, मोड इसमें आता नहीं ना उसमें आता है ना, ट्रैक्शन ऑन ही रखूंगा भाई, पहले ऑन रखता हूँ ठीक है, फिर बाद में ऑफ कर लो। ठीक है ठीक है, इसके अंदर भी AC ऑफ है, ट्रैक्शन ऑन रख रहा हूँ ठीक है, क्योंकि व्हील स्पिन वरना बहुत मारेगी। ठीक है तो करें राउंड 1 स्टार्ट। तो कर रहे हैं भाई स्टार्ट राउंड वन स्टार्ट कर रहे हैं भाई, 3 2 1। भाई दोनों बढ़िया उठी, बिल्कुल सेम सेम टू सेम उठी, और भाई कुछ आग आगे निकल रही है, गई भाई गई। भाई ट्यून्ड होने का कुछ तो बेनिफिट है, पर ज्यादा जी नहीं जा पा रही है, अपना थर्ड लगाया, अब गैप बना देगी, अब गैप बना देगी 100 के बाद पूरी क्रॉस, क्योंकि उसके वैसे भी भाई तीसरा गियर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, लेकिन उतना गैप नहीं बना पा रही है, मतलब एक गाड़ी का ही गैप है, पर ठीक है उन्होंने ब्रेक ले ली, अपने ब्रेक ले ली, अच्छी टक्कर दी भाई, शुरुआत में तो दोनों सेम थे बिल्कुल बराबर, 100 के बाद बिल्कुल क्रॉस कर गई कुछ आग। हाँ जी भाई, जी भाई कोई दिक्कत तो नहीं? 101 के बाद पूरी क्रॉस कर गई थी 101, वो ही मतलब मेरे को वो वाली सैटिस्फैक्शन नहीं आ रही। अच्छा आएगी आएगी वो आएगी, मतलब लॉन्च ना, क्योंकि मेरे को स्टॉप की आदत है बेसिकली, हाँ। मेरे लिए तो नई गाड़ी है ना ये ड्रैग के लिए, सही बात है, तो वही बात है, लेकिन लॉन्च परफेक्ट हुआ था भाई। तो भाई सेकंड हाफ स्टार्ट करते हैं, लॉन्च तो बढ़िया हुआ, लॉन्च ठीक है, सैटिस्फैक्शन नहीं आ जा रहा हूँ चेहरे पे, कोई नहीं आ जाएगी आ जाएगी। चलो दोबारा सेम स्पेक्स के साथ ही, सेम स्पेक्स ठीक है, AC ऑफ है। तो गाइस राउंड 2 कर रहे हैं सेम स्पेक्स के साथ, 3 2 1। भाई आगे 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 है अभी आगे, लेकिन ये आ गई, चक्कर आ गई, बराबर बराबर आ गई, और ये थर्ड गियर, दोनों थर्ड गियर में सेम 100 पे पूरी क्रॉस दोबारा, पर ज्यादा गैप नहीं है, बिल्कुल ज्यादा गैप नहीं है, बिल्कुल नेक टू नेक चल रही है, दोनों बढ़िया एकदम बराबर भाई। भाई इस राउंड में ना बिल्कुल भी गैप नहीं बनाया, मतलब लास्ट राउंड में एक गाड़ी का गैप बना था, लेकिन इस राउंड में कोई भी गैप नहीं बनाया, बिल्कुल बराबर, ऑलमोस्ट बैक टू बैक, बस एक हमारे जैसे बंदे का ही फर्क होगा, बस इतना ही डिफरेंस था। हाँ पर भाई ड्रैग विनर ले, हाँ ड्रैग विनर तो है, लेकिन गैप नहीं बनाया, गैप नहीं बना उतना, बढ़िया थी है ना, वही 100 के बाद ही क्रॉस करती है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अरे अभी तो AC ऑन करके करते हैं, फिर लास्ट राउंड रोलिंग करेंगे, मैं भी AC ऑन कर लेता हूँ, नहीं दोनों गाड़ियों का ऑन, आप ट्रैक्शन ऑन कर लो, हम ट्रैक्शन ऑफ कर लेते हैं और AC ऑन है, ठीक है AC भी ऑन कर लिया। हाँ तो भाई एडवांटेज दे रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं थोड़ी सी, स्कोडा में करवा दिया है AC ऑन ट्रैक्शन ऑन, अपनी गाड़ी का डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी ठीक है भाई, अपनी गाड़ी का AC ऑन कर लो और ट्रैक्शन
ऑफ कर लो, ऑफ है ना, ट्रैक्शन तो ऑन ही है इसका, ऑफ कर लो भाई। एसी ऑन कर लिया, एसी ऑन है, ठीक है, ट्रैक्शन ऑन है। तो करते हैं गाइस थर्ड राउंड स्टार्ट, 3, 2, 1। भाई चल रही है इधर देखो, अरे गई वही दोबारा सीन, अबे क्रॉस भाई, देख रहे भाई के बाद पूरी आ गई है। हाँ, 100 के बाद पूरी आ गई है, पर ज्यादा गैप नहीं, नहीं बना पर, लेकिन लास्ट राउंड में यार ज्यादा बिल्कुल बराबर चल रही थी। हाँ, इसमें फिर भी थोड़ा सा गैप बना रही है, बिल्कुल वही सेम गैप है, एक आध बंदे का गैप रहता है, बाइक मुश्किल से, गाड़ी का गैप नहीं बना, नहीं गाड़ी का गैप नहीं है, गाड़ी का गैप नहीं बना पाती, लेकिन क्लियर विनर कुशाग है, कुशाग है, स्कोडा कुशाग जीत। तो भाई काम करते हैं, लास्ट राउंड करते हैं रोलिंग, यहाँ से वहां तक क्योंकि ज्यादा राउंड करेगा कोई फायदा नहीं है, क्लियर जीत रही है, ये भी नहीं हो रहा है कि बराबर टक्कर दे रही होती है ना, तो ये होता है कि एक आधे हम ट्रैक्शन बंद कर लिए भाई, पर स्टॉक गाड़ियां हो ना, ये जैसे सफारी थी या फिर ये कुशाक स्टॉक, फिर आ रहा देती, फिर ये हरा देती भाई, टर्बो 140 bhp है वो आती वही 116-118 जिस हिसाब से ये इनको ट्यून्ड होने के बाद टक्कर दे रही है, तो ये स्टॉक में होती है फिर तो खा जाती है एक बार। चलो एक बार भाई से पूछते हैं, चलो हाँ जी भाई, वही सेम ही आ रहा है, हाँ सेम आ रहा है, सेम है, रोलिंग करते हैं, फिर चेंज कर लिया, विक्रम भाई चला रहे हैं, रोलिंग राउंड करेंगे लास्ट, आप लोग तीन हॉर्न मार देना ठीक है, तीन हॉर्न भाई चला रहे हैं, 20 की स्पीड पे तीन हॉर्न, ठीक है, चलो चलो भाई तीन हॉर्न, अरे चलो चलो चलो, दो दो पूरी रेस दे दो, निकल जाएगी क्या, थर्ड गियर लग गया दोनों का भाई, और फिर वो वही वापस सेम भाई, सेम है भाई, सेम है वापस, रोलिंग में भी वही चीज है, 100 के बाद ही जाती है भाई, 100 के बाद ही जाती है, लेकिन गैप उतना नहीं है, सेम वही है, सेम गैप मेंटेन, काम कर लेंगे। रेस जिसके अंदर भाई कुछ आग जीत गई, ट्यून्ड हो गई, और वैसे भी भाई 1 लीटर में बहुत पावर है, पर अगर वो स्टॉक में रहती कुछ आग तो किया कारेंस पक्का खा जाती भाई उसको बुरी तरह। तो भाई आज की विनर अपनी कुछ राग रही, और इंडिया फर्स्ट कुछ भाई अभी अभी ट्यून्ड होकर आई है, और आज ही आते ही भाई विन, और इसको ट्यून्ड कुशाग नहीं बोलना, इसका इंडियाज फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ट्यून्ड कुशाग। वीडियो को करते हैं ही एंड, अच्छी लगी हो तो यार प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।